रायबरेली से खबर, जहां सीओ सिटी ने खाकी की गरिमा गिरा दी। बता दें रायबरेली के सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी वर्दी की गरिमा भूल गए। बता दें प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीओ सिटी ने पैर छुआ। सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी ने शिवपाल यादव के पैर छुए हैं। शिवपाल यादव के पैर छूते सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी कैमरे में कैद हो गए। देखिए वो वीडियो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो दिन पूर्व लखनऊ जाते समय कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का स्वागत किया था। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही शिवपाल गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सीओ सिटी झुककर उनके पैर छूते हैं। तो खाकी की गरिमा यहां पर किस तरीके से गिराई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वागत के दौरान सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी ने शिवपाल यादव के पैर छुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। रायबरेली एसपी श्रोक कुमार का ध्यान किधर है? सीओ अंजनी चतुर्वेदी के खिलाफ क्या उन्होंने कार्रवाई की? ये तमाम सवाल, या फिर उन्हें भी पसंद है खाकी का खादी के सामने झुकना? जो तस्वीरें बयां कर रही हैं खाकी, जिस तरीके से खादी के सामने झुकती नजर आ रही है, आखिर इसके जो सवाल है इनके जवाब कौन देगा? सीओ सिटी ने शिवपाल यादव के जिस तरीके से पैर छुए, गाड़ी से निकलते हैं शिवपाल यादव और सीओ सिटी अंजनी चतुर्वेदी उनके पैर छूते हैं, तो क्या वाकई में खाकी को खादी के सामने ये झुकाने का, ये जो तस्वीरें हैं ये इनकी सच्चाई है सीओ सिटी अंजनी चतुर्वेदी की? देखिए जरा किस तरीके से खाकी खादी के सामने झुकती नजर आ रही है। खाकी की गरिमा यहां पर किस तरीके से गिराई गई है डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी की तरफ से, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। आखिर एसपी श्लोक कुमार जो है उनका ध्यान किधर है, क्या हो रहा है? ये खाकी की जो गरिमा गिर रही है कैसे मैनेज होगी? ये खबर दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं हम इस वक्त, ये पैर छूते हुए सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी थी, या कौन सी सिचुएशन थी, कौन सा ऐसा काम था जो शिवपाल यादव के पैर छूने पड़े सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी को। ये खाकी की गरिमा यहां पर जिस तरीके से गिराई जा रही है, साफ नजर आ रहा है कि कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं यहां पर डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी वर्दी को, क्योंकि जो खाकी का फर्ज होता है, जो गरिमा होती है एक पुलिस अफसर को बनाने की जरूरत होती है, जिम्मेदारी होती है, फर्ज होता है उसका, लेकिन यहाँ खादी के सामने जिस तरीके से खाकी को झुकाया जा रहा है, ये बार बार हम आपको फुटेज इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि क्या वाकई में खादी खाकी पर भारी है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से गाड़ी से शिवपाल यादव निकलते हैं और सीओ सिटी उनके निकलते ही पैर छूते हैं। आखिर कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा फर्ज जो पैर छूने पड़े? सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में इंडो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया। 10 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 जिलों की टीमें हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को 1,00,000 का इनाम और उत्तर प्रदेश विजेता टीम को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया है। तो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने उद्घाटन किया। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता का यहां पर उद्घाटन किया फीता काटकर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। टीम से मिले, बता दें इस दौरान आपको ये भी बता दें इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को 1,00,000 का इनाम और उप विजेता टीम को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया है।
कोशिश की जाएगी चौकी लेकिन रस्ता उनमें पहुंची बॉल को रन नहीं आएंगे इनको बॉल पर लगे एक रन खेल के लिए समय दिया जिस तरह से भारत सरकार खेल के प्रति उनका शुभारंभ होने जा रहा है और इस शुभारंभ की कड़ी में मैं अपने आयोजन समिति के तीसरे साल इस प्रतियोगिता को हम लोग करा रहे हैं हर साल हम लोग इस प्रतियोगिता में विजय तो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि का उद्देश्य यह है कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। बहुत पहले क्रिकेट तो होता था, टीमें यहाँ रहती थी, चलती हुई थी, बीच में ये एकदम गैप हो गया, क्रिकेट का खेल का बंद हो गया। तो एक पहल किया गया है कि जिससे खेल का विकास हो, बच्चे यहाँ बढ़िया खेल है, पीछे बाहर गए। क्या क्या नाम दे रहे हैं बच्चों को? अब इसमें तो विजेता टीम को 1,00,000 रुपए है, विजेता को 51,000 है, मैंने कहा एक मोटर। पहले तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब इसको पिछड़ा जिला ना कहा जाए। सिद्धार्थनगर विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये ऐसा जिला है जो दो दो तीन तीन राष्ट्रीय राजमार्ग अब इस जिले से होकर गुजर रहे हैं। अभी अभी एक नए स्टेट हाईवे की घोषणा हुई है, ये बांसी इटवा से होकर के बिस्कोहर और तुलसीपुर जाने वाला। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेंटर यहाँ बन गया, सेंट्रल स्कूल यहाँ बन रहा है, जिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपकी बात सही है कि खेल के क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। और वही सिद्धार्थनगर जिले में आज बीजेपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि आगामी 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव जी की जन्मदिन के अवसर पर बहराइच जिले में स्मारक और संग्रहालय की स्थापना का वर्चुअली शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से करेंगे। इस अवसर पर अनिल राजभर ने बताया कि यूपी की योगी सरकार ने फैसला लिया है कि महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच जिले में बनाया जाएगा, साथ ही एक उनके स्मृतियों को लेकर एक संग्रहालय बनाकर यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही तौरा के मैदान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इन सभी का शिलान्यास पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअल मोड से 16 फरवरी को करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने यह फैसला किया है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बहराइच में बनेगा, साथ ही उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाने का फैसला योगी जी की सरकार ने लिया है। चित्तौरा का वो मैदान जिस मैदान पर एक बड़ी लड़ाई किसी कालखंड में हुई, देश को बचाने की लड़ाई हुई, बाहर के आक्रांता सैयद सलार मसूद और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के बीच में जिस चित्तौरा के मैदान में वो लड़ाई हुई, उस चित्तौरा के मैदान को भी, उस पूरे इलाके को पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला योगी जी की सरकार ने लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुजफ्फरनगर से खबर, जहां दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर आक्रोश दिख रहा है। बता दें ब्राह्मण समाज के युवाओं ने शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दिल्ली में रिंकू शर्मा जो कि बीजेपी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें बजरंग दल का सदस्य भी था, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई उसको लेकर मुजफ्फरनगर में आक्रोश दिख रहा है। शिव चौक पर ब्राह्मण समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया और साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब धरना प्रदर्शन किया गया, ब्राह्मण समाज के युवाओं ने यह धरना प्रदर्शन किया है। रिंकू शर्मा की हत्या जिस तरीके से हुई, पुलिस का कहना कि एक बर्थडे पार्टी के दौरान लड़ाई हुई जहां यह हत्या हुई, लेकिन वहीं परिजनों का कहना कि गैर समुदाय के लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया क्योंकि रिंकू एक राम भक्त था और राम जन्मभूमि जो निर्माण है उसकी निधि के लिए रैली निकाली गई थी, राम भक्ति के नारे लगाए गए थे, इसी से चिढ़कर गैर समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या की। वहीं पुलिस ने साफ कहा बर्थडे पार्टी के दौरान यह हत्या की गई थी। फिलहाल रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां
ब्राह्मण समाज के युवाओं ने शिव चौक पर धरना दिया है और नारेबाजी की है। साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसकी भी मांग की गई। ब्राह्मण समाज के युवाओं ने शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सचिन, आपसे जानेंगे ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या किया जा रहा? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या की गई है, उसी के विरोध में ब्राह्मण समाज के जो युवा है, सैकड़ों युवा है, इन्होंने शिव चौक पर धरना प्रदर्शन दिया है और जोरदार नारेबाजी की है और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग है और 1 करोड़ रुपए जो मृतक के परिजनों को देने की मांग है उसी को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। जी ठीक है। और अगर हम बात करें परिजनों की, जिस तरीके से ये युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर ये तमाम पुलिस बल और जवान तैनात किए हुए हैं, इनकी तरफ से किस तरीके के इंतजाम? देखो, पुलिस ने काफी फोर्स यहाँ पर जमा है, उन्हें जो युवा है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से खबर, जहां एसपी देहात बीजेपी विधायक की नोकझोंक का मामला सामने आया। नोकझोंक का वीडियो भी जो वायरल हुआ है वो अधूरा था। एसपी देहात बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी में नोकझोंक हुई थी, तो नोकझोंक का पूरा वीडियो वायरल नहीं किया गया था। इस वीडियो में केवल विधायक के पक्ष की बात आ रही है सामने, वीडियो काट कर वायरल किया गया। लेकिन इस वीडियो में जहां पुलिस को खलनायक बताया जा रहा है, वहीं विधायक भी पुलिस को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं विधायक जी को, लेकिन विधायक अजीत पाल इंस्पेक्टर को उंगली दिखा रहे हैं। गौवंश मिलने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी, घटना से इलाके का माहौल खराब हो सकता था, यही समझाने की कोशिश की जा रही थी एसपी देहात की तरफ से। एसपी देहात इराज राजा से नोकझोंक हुई थी। बता दें जो वीडियो वायरल हुआ वो अधूरा था, सिर्फ विधायक की बात। तरीका अच्छा नहीं लगा? नहीं, आप चलिए मीडिया से बात, मीडिया का मिशन है 2 मिनट के लिए। सर, मीडिया का मिशन ऐसे नहीं। अरे सर, हम अगर सर इनसे पूछ लो, मनवीर जी से, मैंने कल से नहीं पकड़े हैं, हमारी टीम पकड़े हैं, यहाँ भी तो पकड़ो, तो माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से? सब लोग बैठते हैं। अरे सर, आप ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बाइक सवार बदमाशों ने कल अगवा किया था। दनकौर पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। बता दें लापता बच्चे के परिजनों ने थाने का घेराव किया। वहीं ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बाइक सवार बदमाशों ने कल अपहरण किया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। तो बच्चे के अपहरण का मामला, बाइक सवार बदमाशों ने कल के दिन बच्चे को अगवा किया था और अभी भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा पुलिस के, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। दनकौर पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं लापता बच्चे के परिजनों ने थाने का घेराव भी किया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित, आपसे जानेंगे ये जो मामला सामने आया, अभी तक जांच क्या कह रही है? जी बिल्कुल, थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर बीते दिन स्पोर्ट्स क्लस्टर का जो घर के बाहर खेल रहा था वो अचानक से घर से गायब हो जाता है, जिस तरह परिजनों के द्वारा संदेशा जताया जाता है बच्चे का अपहरण हो गया। परिजनों के द्वारा पुलिस को इसकी शिकायत की जाती है, पुलिस के द्वारा जब मामले की जांच की जाती है तो पता लगता है कि जब बाहर बच्चा खेल रहा था उसको मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो निर्माता आए थे उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इसी चीज को लेकर के जो ग्रामीण है, ग्रामीण इकट्ठा होकर के दनकौर थाने पर पहुंचे और उनके द्वारा पुलिस से कहा जा रहा है कि 24 घंटे से
ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर ग्रामीणों ने मिलकर डंबर कोतवाली का घेरा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चे के अपहरण का ये मामला, जहां ग्रेटर नोएडा के रनकौर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, बच्चे के अपहरण मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। 24 घंटे बीत गए हैं लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। तो धनकौर पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है, थाने का घेराव भी किया और बच्चे के परिजनों ने यहां पर गुस्सा जाहिर किया है अपना। 24 घंटे बीत गए लेकिन कोई भी अता पता नहीं बच्चे का।